हेलो एवरीवन, दिस इज निलोफिनी हा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल से चले। तो आज थोड़ा सा इंटरफेस आपको चेंज दिखाई देगा, तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कई बच्चों को डाउट आ रहे थे टेस्ट सीरीज को लेकर। तो टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा जो मेन डाउट था वो था कि फ्री टेस्ट किस तरीके से अटेम्प्ट करें। तो मैंने आपको फ्री टेस्ट बता दिए, ठीक है, कैसे अटेम्प्ट करना है। अभी हम स्क्रीन पे चलेंगे, स्क्रीन पे मैं आपको सारा कुछ शो करूंगी, प्लस आपकी जो रैंक है वो पता चलेगी। देखिए, जो भी ये टेस्ट मतलब टेस्ट सीरीज जो बनाई गई है, ये आपके DSSB ऑनलाइन पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाई गई है, जिस तरीके से ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। तो कोशिश कीजिए प्लीज, अगर आप परचेज नहीं कर सकते तो उसमें काफी सारे टेस्ट आपके फ्री हैं, वो वाले फ्री वाले टेस्ट दीजिए और मल्टीपल टाइम्स आप दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि चीजें किस तरीके से। और दूसरी चीज, उसमें ऑल ओवर इंडिया आपको रैंक पता चलती है कि इस टाइम पे इस कितने बच्चों ने वो टेस्ट दिया है और उनमें से आपकी क्या रैंक है, ठीक है, ये पता चलेगा। टॉपर्स बच्चों के मार्क्स पता चलेंगे, बहुत सी चीजें आपको पता चलेंगी। इससे क्या है, आपका लेवल जो है वो, एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस तरीके से है, फिर आपको एक मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। और देखिए, मैं सच बता रही हूँ कि आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये जरूर रेडी रहना चाहिए कि हमें एग्जाम हॉल में परफॉर्म कैसे करना है। तो अगर आप चाहते हो कि आप एग्जाम हॉल में अच्छे से परफॉर्म कर सको, तो प्लीज जाके टेस्ट सीरीज जरूर देखिए, टेस्ट दीजिए वहां पर। और बाकी सारी डिटेल मैंने आपको टेस्ट सीरीज में दे रखी है, ठीक है। और तो जैसे ही आप लोग अपना नंबर और OTP डाल के लॉग इन करेंगे, तो आपको इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर आप किस तरीके से देखेंगे, तो बच्चों को कंफ्यूजन था कि फ्री टेस्ट कैसे देना है। तो ये जो दो टेस्ट सीरीज है ये पेड है, लेकिन यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि पहली टेस्ट सीरीज जो हमारे DSSB KVS CTET की है, इसमें आपको 21 टेस्ट फ्री मिलेंगे, 1400 लगभग फ्री टेस्ट हैं। और जो सिर्फ DSSB की टेस्ट सीरीज है उसमें आपको 15 टेस्ट फ्री मिलेंगे। अब आप इन्हें अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं ये मैं बता देती हूँ आपको। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अटेम्प्ट शो हो रहा है, ठीक है। ये मिनी मॉक टेस्ट है, मिनी मॉक टेस्ट जो कि DSSB के ऑनलाइन पैटर्न के बिल्कुल अकॉर्डिंग है, जैसा कि DSSB एग्जाम कंडक्ट कराता है, ठीक है। लास्ट में मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज रहेगा, ताकि आप लोग जितने भी फर्स्ट 50 कैंडिडेट जो होंगे उनको ये ऑफर मिलेगा, जो भी अगर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसे नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या शो होगा, जैसे DSSB में आपको दिखाई देता है, तो आपकी जो लैंग्वेज है वो आप सिलेक्ट करेंगे, हिंदी है तो हिंदी करेंगे और इंग्लिश है तो इंग्लिश करेंगे, ठीक है। डिसिप्लिन यानी कि आप किस टेस्ट के लिए जा रहे हैं, तो सामाजिक विज्ञान, ठीक है, नेचुरल साइंस, हिंदी या फिर मैथ्स। तो हम यहाँ पर किसका टेस्ट दे रहे हैं, SST का दे रहे हैं। तो यहाँ सामाजिक विज्ञान करके डिक्लेरेशन देके हम आगे हो जाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, अब हमारे आगे इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये हमारा रीजनिंग हो गया, ये हमारा GK हो गया, ये हमारा मैथ्स हो गया, ये इंग्लिश हो गया। इसके बाद भी हमारे और भी दिखाई देंगे सेक्शन, ठीक है। फिर हमारा हिंदी हो जाएगा, ठीक है, हिंदी और फिर सामाजिक विज्ञान, पांचों सब्जेक्ट आ गए हमारे। आप क्या है देखिए, अब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि हमारा फर्स्ट ये शुरू हुआ, ये याद रखिए DSSB में आप स्विच नहीं कर सकते एक से दूसरे पे। यहाँ टेस्ट सीरीज में आपको ये फैसिलिटीज दी जा रही है, लेकिन DSSB में नहीं देते, ठीक है। तो जैसे रीजनिंग हम कर रहे हैं, तो रीजनिंग में हमने हमने करना शुरू करा, तो हमारा फर्स्ट आंसर लिया, सेकंड सेकंड नेक्स्ट, फिर हम सेव नेक्स्ट सेव नेक्स्ट सेव। अब इस तरीके से हम देते चले जाएंगे। अब यहाँ पर मेरे को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जैसे कि हमें डायरेक्टली किसी क्वेश्चन पे जाना है तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने इसका आंसर देके सेव नेक्स्ट कर दिया, अब हो सकता है आंसर फोर में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो मैं क्या करूंगी, इसे उत्तराखंड को सिलेक्ट करूंगी और मार्क कर दूंगी। अब यहाँ पर ये शो हो रहा है कि मार्क है, यानी कि जब मैं ये टेस्ट सबमिट करूंगी, यहाँ से सबमिट टेस्ट दिखाई दे रहा है ना ये आपको, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पर मुझे शो हो जाएगा कि इसमें मुझे डाउट है, तो मैं एक बार ही दोबारा जाके देख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सेव नेक्स्ट जब हम करेंगे, सारे सेक्शंस पे हम दे देंगे अपना आंसर, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बिल्कुल इंटरफेस जो है वो DSSB के ऑनलाइन पैटर्न के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। ये मिनी मॉक टेस्ट है, तो आप इसे दे सकते हो, बिल्कुल आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। अब जैसे हमने ये आंसर किया सेव नेक्स्ट, ठीक है, अब जैसे ये हमने मार्क कर दिया, ठीक है, अब हमें नहीं पता, ठीक है। एक आइडिया देने के लिए मैंने क्या करा, आपको सारा कुछ कर लिया, फिर हमने क्या करा, सेव सबमिट कर दिया। अब जब सबमिट करेंगे, देखिए मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये शो कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं देने बैठ गई ना तो आप लोगों की वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस
हमने कितने आंसर दिए, कितनों के नहीं दिए, किन किन आंसर्स में हमें थोड़ा डाउट था यानी कि हमने मार्क किए हैं, और कौन से ऐसे आंसर्स हैं जो हमने क्वेश्चन हैं जो हमने देखे ही नहीं है। ठीक है, ये सारी डिटेल यहाँ शो हो जाएगी। जैसे आपकी शो होगी तो आपको इससे पता चल जाएगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो आप पीछे जा सकते हैं, जैसे क्लोज करोगे तो आप जा सकते हो और सबमिट कर दोगे तो फिर आपका वो रैंक शो कर देगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम सबमिट कर देंगे। अब जैसे ही हम इसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया हमारी रैंक शो होगी। जैसे कि हमारी जो रैंक आई है 2208 आई है। ठीक है, और यहाँ पर आपको दो तीन चीजें मैं शो कर देती हूँ। यहाँ पर टोटल मतलब कितने लोगों ने इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया है ये पता चलेगा। ठीक है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें। ठीक है, क्योंकि आपको बिल्कुल ये याद रखना है कि हमें जो हम DSSB के एग्जाम दे रहे हैं उस तरीके से ही हमें चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल सके। फिर इसके बाद आपका कितने आंसर सही है, ठीक है, कितनों में डाउट था, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। अब यहाँ पर मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, ठीक है, आपका GA, ये सारी चीजें हमने कितने अटेम्प्ट किए हैं, क्या आए हैं। अब यहाँ पर हमें रैंक पता चलेगी, जैसे कि जो टॉपर बच्चा है, टॉपर बच्चा यहाँ पर जैसे कि ये नेहा यादव है। अब इन्होंने क्या है, इनके जो मार्क्स आए, ठीक है, 80 में से 68.25 है। ठीक है, ये मार्क्स आए, अब हमें यहाँ पर पता चल गई, अब यहाँ पर हमें हमारी रैंक पता चल गई, प्लस हमें ये भी पता चल गया कि इतने बच्चों में हमारी किस तरीके से रैंक आ रही है। ठीक है, और हमारा क्या लेवल है, ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में आपको पता चलेगा कि जो टॉपर बच्चा है उसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, उसने कितना अटेम्प्ट किया है, प्लस उसकी एक्यूरेसी, करेक्ट, रॉन्ग, टाइम, सब पता चलेगा। और ऑन एन एवरेज बच्चा जो है, मतलब इतने बच्चे ऑन एन एवरेज ज्यादातर इतने मार्क्स लेके ही आ रहे हैं, जैसे कि 32 मार्क्स लेके ही आ रहे हैं। अब जैसे हम तो सिर्फ देखने के लिए तो हमारा ही माइनस में जा चुका है, क्योंकि 0.25 की हमारी नेगेटिव मार्किंग भी है, हमने आंसर्स भी नहीं दिए। तो ये ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइम है वो भी बता रहा है, जैसे कि हमने जो टाइम लिया है वो 2 मिनट में पूरा टेस्ट दे दिया। अब टॉपर बच्चा जो है वो 22 मिनट में, और जो एवरेज बच्चे हैं सब बच्चे उनका 32 मिनट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये ग्राफ शो करेगा, ताकि आप देखिए सारी चीजें मतलब जो हमारी टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड की गई हैं वो सारी चीजें लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है, ताकि आपको बहुत मतलब मैं बता रही हूँ कि अगर आप DSSB की तैयारी करते हो तो आपको टेस्ट सीरीज तो जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि आपको सारी चीजें एग्जैक्ट पता चलेंगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हमारा कितने आंसर्स हमने स्किप किए हैं। ठीक है, जैसे कि सामाजिक अध्ययन में यानी कि सोशल साइंस में हमारा जो स्किप किया है, हमने 29 क्वेश्चंस को स्किप किया। अब ओवरऑल बता देगा, इनकरेक्ट बता देगा, पार्शियली करेक्ट बता देगा, और करेक्ट और स्किप्ड, हमने कितने स्किप किए, कितनों के आंसर दिए, ये सारी चीजें हमें बता देगा। अब हर क्वेश्चन का डिटेल वाइज सोल्यूशन दिया हुआ है, जैसे कि हम अभी यहाँ देख लेते हैं सामान्य वो सामाजिक, तो यहाँ पर डिटेल में हमारा क्वेश्चन, अब यहाँ पर इंग्लिश है इसे हम हिंदी में कर देंगे तो हमारी लैंग्वेज भी सिलेक्ट चेंज हो जाएगी। प्लस इसमें आपको ये भी याद रखिएगा, ये भी पता चलेगा कि आपका जो 3 ऑप्शंस और है उनके किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैं रियलिटी बता रही हूँ आपको, बहुत सी चीजें इसमें बहुत हेल्प करेंगी। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूर टेस्ट दें, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छी चीजें मिलने वाली हैं। और मैं सच बता रही हूँ कि बहुत मेहनत करके ये चीजें आप लोगों के लिए बनाई गई, तो आप लोग कोशिश करते रहिए, इंशाल्लाह इस बार आप लोगों का सिलेक्शन हो, मैं बस इतना ही चाहती हूँ। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सारी चीजें डिटेल में पता चल जाएगी। इससे ये फायदा क्या है कि देखिए पढ़ते सब हैं, लेकिन स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ जो पढ़ता है ना, जिसे पता चलता है कि हम कहाँ वीक हैं, कहाँ हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये सारी चीजें टेस्ट में आपको पता चल जाएगी। सब्जेक्ट में आप किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे ये आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज अगर आप परचेज नहीं कर सकते तो फ्री के टेस्ट जो है वो तो दीजिए, और इन्हें आप रिपीट कर सकते हो, यानी कि रैंक तो आपको फर्स्ट टाइम ही पता चलेगी। लेकिन क्या है कि अगर आपको हो सकता है कि कोई बच्चा सिर्फ ऐसे ही दिया हो टेस्ट, तो फिर वो दोबारा देके देख सकता है। और हाँ, ये देखिए सारी चीजें ना, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और प्लीज अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें रिकमेंड कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके चीजें। और बाकी अगर आप DSSB TGT SST के नोट्स चाहते हैं तो यहाँ एक नंबर शो रहा है, उस नंबर पे आप डिटेल मांग सकते हैं। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कोई डाउट हो तो कमेंट करना। थैंक यू।